सिर्फ नदी किनारे खड़े होकर जल को देखने मात्र से आप नदी पार नहीं कर सकते। यह कथन जनगण मन, रविंद्र संगीत, गीतांजलि आदि ऐसे ही महान गीतों एवं उपन्यासों के रचनाकार श्री रविंद्रनाथ टैगोर के हैं, जिनकी कला एवं बुद्धिमत्ता से आकर्षित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी उन्हें गुरुदेव की उपाधि से नवाजा था। आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर या गुरुदेव के जीवन के बारे में, कैसे वे रविंद्रनाथ ठाकुर से गुरुदेव के रूप में जाने जाने लगे और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। गुरुदेव का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। इनका असली नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है, मगर इन्हें इनके उपनाम भानु सिंह ठाकुर, गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये कवि, लेखक, उपन्यासकार और संगीतकार भी थे और इन्होंने जनगण मन की भी रचना की थी। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ टैगोर था और माता का नाम श्रीमती शारदा देवी था। बाल्यकाल में ही मां की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण नौकरों द्वारा ही हुआ। शुरू से ही टैगोर परिवार का साहित्य और संगीत से बहुत ही गहरा नाता था। टैगोर के पिता ध्रुपद संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए अक्सर आमंत्रित किया करते थे। बचपन से ही टैगोर को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्हें अगल बगल के गांव जैसे कि बोलपुर, पानीहाटी में घूमना बहुत अच्छा लगता था। इनके बड़े भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर इन्हें बचपन से ही स्विमिंग, ट्रैकिंग, जिम्नास्टिक्स, जूडो और रेसलिंग सिखाया करते थे। बचपन से ही ये ड्राइंग, एनाटॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, मैथ्स, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ा करते थे। 1873 में इनके उपनयन या जनेऊ संस्कार के बाद ये और इनके पिता कलकत्ता छोड़कर शांति निकेतन, अमृतसर और डलहाउजी हिल स्टेशंस में घूमने के लिए निकल गए। इस सफर में टैगोर ने तरह तरह की बायोग्राफीज, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न साइंस और कालिदास की कविताओं को पढ़ा। वे अमृतसर में एक माह के लिए रुके और गोल्डन टेंपल में गाई जाने वाली गुरुवाणी या नानक वाणी ने उनके बाल्य मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने इसके बारे में अपनी किताब माई रेमिनिसेंसेस में भी लिखा है और उन्होंने इस किताब में अपने जीवन में घटित हर एक घटना के बारे में भी बताया है। उन्होंने सिख धर्म के ऊपर 6 कविताएं लिखी हैं और बंगाली मैगजीन्स में कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे। इसके बाद 1877 में वे जोरासांको लौट आए और उन्होंने भिखारिनी नामक लघु कथा और निर्झरेड़ स्वप्नभंगा नामक कविता भी लिखी। देवेंद्रनाथ टैगोर अपने बेटे को वकील बनाना चाहते थे, इसलिए रविंद्र का एडमिशन ब्राइटन ईस्ट ससेक्स इंग्लैंड के एक पब्लिक स्कूल में कराया गया। कुछ समय के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई की, मगर उसके बाद ये खुद से ही शेक्सपियर के प्लेज जैसे कि कोरियोलेनस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और थॉमस ब्राउन की रिलीजियो मेडिकी इत्यादि किताबें पढ़ने लगे और लॉ की पढ़ाई छोड़ दी। 1880 में वे बंगाल लौट आए और नियमित ढंग से कविताएं, कहानियां और नॉवेल्स लिखने लगे। 1883 में इनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। 1890 में उन्होंने मानसी नामक कविता संग्रह लिखा और शिलाईडहा, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां अपनी खानदानी जमीन संभालने लगे।
और 1898 में पूरा परिवार वहीं सेटल हो गया। वे अपनी खानदानी बोट पद्मा में बैठकर सुबह से शाम तक पद्मा नदी का चक्कर लगाया करते थे। सफर के दौरान वे गांव वालों से किराया लेते थे और उनको आशीर्वाद भी दिया करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात गगन हरकारा से हुई, जो कि एक बंगाली कवि थे, और उनके गाने आमी कोठे पावो तरे से प्रेरित होकर टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगीत अमर शोनार बांग्ला लिखा। 1891 से 1895 में टैगोर अपने चरम पर पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने चित्रांगदा और बलिदान जैसे नाटक भी लिखे। में टैगोर शांति निकेतन चले गए और वहां पे एक आश्रम खोल दिया। वहां विशाल प्रार्थना कक्ष में उन्होंने मंदिर नामक एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला। इस स्कूल का नाम बाद में बदल के शांति निकेतन ही रख दिया गया। 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। पितृवियोग के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत दुखी हो गए। नवंबर 1913 में टैगोर को साहित्य क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1915 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि भी ऑफर की, मगर 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद उन्होंने इस पद को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। 1921 में टैगोर और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट लेनर्ड एल्महर्स्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना की, जिसका बाद में नाम श्री निकेतन रख दिया गया। 1930s से ही टैगोर अपनी पोएम्स और ड्रामास के जरिए अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाने लगे और उनके द्वारा रचित ज्यादातर मुख्य किरदार दलित एवं शोषित समाज से संबंध रखते थे। में टैगोर बेहोश हुए और उसके बाद कोमा की स्थिति में चले गए। इसके बाद 7th of August 1941 को 80 की उम्र में उनका निधन हो गया। टैगोर आज हमारे बीच नहीं है, मगर वे सदैव ही हमारे हृदय में जीवंत रहेंगे। हम टैगोर को शत शत नमन करते हैं और इसी के साथ यह कामना भी करते हैं कि भारत की मिट्टी से सदैव ही ऐसे महान सपूतों का जन्म हो। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जोदि दुर्दाक्षुण क्यों नाशे तबे एकला चलो रे।